डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास सिक्स का सिविक्स बुक है, चैप्टर टू, और चैप्टर वन मैं दे चुका हूँ उसका क्वेश्चन आंसर। तो बेसिकली मैं बतला दूँ कि इस वीडियो में इस चैप्टर का मैं शॉर्ट क्वेश्चन जितना है उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो थोड़ा सा हम लोग चैप्टर को एक नज़र देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, और ज़्यादा मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, फिर भी थोड़ा सा देखना होगा। प्रिजुडियस दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वलिटी। प्रिजुडियस मतलब होता है पूर्वाग्रह। इसका मतलब है कि पहले से किसी चीज़ के बारे में हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी इस तरह का पहले से मतलब एक थिंकिंग बना लेते हैं, अच्छा या बुरा जो भी थिंकिंग हो। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। जैसे कि हम लोग आज हमारे समाज में आज भी व्याप्त है भेदभाव कि वो ऊँचे जात का है, वो नीचे जात का है, इस तरह से जो भेदभाव माना जाता है, या फिर वो अमीर है गरीब है, इस तरह की जो प्रथा होती है, जो थिंकिंग होती है, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और अनइक्वलिटी, अनइक्वलिटी मतलब होता है असमानता, मतलब बराबर नहीं होना। जैसे कि कोई अमीर है कोई गरीब है, और इसके अलावा और कई सारी चीज़ों में अनइक्वलिटी माना जाता है। तो यहाँ पे इस पर दिया हुआ है इस चैप्टर में, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये मुट्ठी छाप कर दिखाया गया है। हमारे देश में कई धर्मों को माना जाता है, कई धर्म के लोग रहते हैं। तो वैसे भी लास्ट चैप्टर जो दिया हुआ था उसमें अनेक डाइवर्सिटी बतलाया गया था, अनेक विविधताएं हैं हमारे देश में। तो जहाँ इतनी विविधताएं हैं वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स होना आम बात हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की भेदभाव होना सामान्य बात है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जैसे कि प्रिजुडिस दिया हुआ है, जिसमें कि पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, किसी चीज़ के बारे में हम लोग पहले ही थिंक कर लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है। जैसे वो धर्म जो है अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, वो स्टेट अच्छा नहीं है, इस तरह का जो थिंकिंग हम लोग बना लेते हैं किसी धर्म के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसी को बोला जाता है प्रिजुडियस। तो ये जो है नैरो माइंडेड, मतलब ये संकीर्ण विचार है, ये अच्छा विचार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्पन्न हो जाता है और अभी भी ये चलता ही आ रहा है। जैसे कि स्किन कलर काले लोग हैं तो उन लोगों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। लैंग्वेज, उन लोग अच्छे लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ये जो है देहाती लैंग्वेज बोलते हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए। उनका कास्ट ऐसा है, रिलीजियन ये मानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग है। तो ऐसे चीज़ों से लोग जो है इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, कई बार जो है लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता है इसको लेकर के। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जैसे कि आप अपने सर्वेंट को क्या मानते हैं, इलिटरेट है, केयरलेस है, लापरवाह है, इस तरह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, और उसमें जैसे कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी सोच कैसी है, इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टोटाइप्स, स्टोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादी विचार, जो बहुत पहले से हम लोग अपने दिमाग में बसाए हुए हैं कि लड़कियाँ जैसे होती है, लड़कियाँ स्पेशली घर में काम करने के लिए होती है, लड़कियों को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, इस तरह के थिंकिंग बहुत पहले से चलते आ रहा है। आज भी कुछ लोग इस बात को मानते हैं, जिसके वजह से लड़कियों को घर से ज़्यादा निकलने के लिए नहीं दिया जाता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो है बहुत पहले से हमारे समाज में व्याप्त हो गया है लड़कियों के बारे में। तो जैसे माना जाता है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए होती है, तो ऐसा बात नहीं है। विदेशों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लड़कियां और लड़के जो है सामान्य रूप से किसी भी काम को कर सकते हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। लड़के भी वहाँ पर खाना बनाया करते हैं, और बड़े बड़े होटल वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ लड़कियाँ खाना नहीं बनाते हैं, लड़के लोग ही खाना बनाते हैं, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रिजुडियस और स्टोटाइप्स जो होता है वो समाज में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लोगों के बीच में, लोगों के विचारों में। तो यहाँ पे एक घटना घटा था साउथ अफ्रीका में, जब गांधी जी को स्किन कलर को लेकर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो वहाँ पे इस तरह का एक प्रथा चला हुआ था, ब्लैक स्किन, ब्लैकेस और वाइटेस, जो वाइट स्किन का है उसके लिए एक डिफरेंट लॉ लग गया था, और ब्लैक स्किन के का व्यक्ति जो होता है उसके लिए एक अलग लॉ लग गया था। तो इस चीज़ को लेकर ये नेल्सन मंडेला, ये जो पिक्चर है नेल्सन मंडेला जो है, इस चीज़ को लेकर वो फाइट किए थे इसको ख़त्म करने के लिए। इसको कहा जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब नस्ली भेदभाव, कि स्किन कलर को लेकर जो भेदभाव होता है उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को डिटेल किया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल लेस फेयरली देन अदर पीपुल। भेदभाव क्या है कि एक व्यक्ति को हम उचित सम्मान दे रहे हैं और एक व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो इसी को भेदभाव कहा जाता है। एक व्यक्ति को अच्छा मानते हैं
किसी धर्म से रिलेटेड करता है तो उसको अच्छा मानते हैं, हमारे धर्म जो मतलब हम जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म को भी मानता है तो उसको हम अच्छा मानते हैं, और जो दूसरा धर्म को मानता है उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, इस तरह का विचार जो होता है उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये बहुत पहले से ही हमारे समाज में व्याप्त हो गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि लोग जिस प्रकार के कार्य को करते थे, जिस प्रकार ऑक्यूपेशन पेशा को अपनाए हुए थे, उसी प्रकार से उन लोगों की एक कास्ट बना दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्रास, इस तरह से उन लोगों को वर्गीकृत कर दिया गया। तो ब्राह्मीण जो होता था वो सबसे अपर लेवल में होता था, क्षत्रिय उसके बाद होता था, वैश्याज उसके बाद, और सबसे नीचे में शूद्रास जो शूद्र दिया हुआ है तो वो सबसे नीचे हुआ करता था। तो गांधी जी कहे थे कि अछूत लोगों को जो है वो बोले थे कि उन लोग को हरिजन बोले थे, और हरिजन का मतलब होता है, हरि मतलब भगवान और जन का मतलब होता है व्यक्ति, मतलब भगवान का, भगवान के लोग, इस तरह से वो बतलाए हुए थे ताकि भेदभाव कम हो सके, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो मात्रा है वो समाज में कम से कम हो सके। तो जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे उन लोगों को कहा जाता था दलित, यहाँ पे दलित एक वर्ड दिया हुआ है, और निचले लोअर क्लासेस के जो लोग होते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ दलित। इसमें कई तरह का भेदभाव किया गया, जैसे कि धर्म को लेकर भेदभाव किया गया, रिलीजियंस जैसे होता है, उसके बाद भेदभाव किया गया जेंडर को लेकर, कोई लड़का है लड़की है तो लड़कियों को कम आंका गया लड़कों से, ये समाज में उन लोग ज़्यादा बड़े कार्य नहीं कर सकते, इस तरह से आंका गया। इसके बाद जो है इकोनॉमी स्टेटस, कोई गरीब है कोई अमीर है, इसको लेकर जो है भेदभाव किया गया, यहाँ पे बतला रहा है। सिमिलरली रेशियल डिफरेंसेस, मतलब नस्ली भेदभाव जो है वो महात्मा गांधी के साथ भी ये घटना घटा था। यहाँ पे दिया हुआ महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज ए विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे उस समय उनको ब्लैक स्किन वाला आदमी कहा गया, उसको ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो इस तरह की घटना उनके साथ भी घट चुकी है। इसके बाद जेंडर को लेकर, जेंडर इक्विटी को लेकर काफ़ी भेदभाव बरता गया पहले से ही है, और लड़कियों को जैसे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था और उसको जो है घरों में बंद करके रखा जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, जैसे ये लड़कियाँ जितनी है ये कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, कुछ जो आर्मी में हैं, इस तरह के कई सारा वर्क जो है ओमेंस कर सकती है, कई जगह पर नहीं भी कर सकती, इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ प्लेस 99 प्लेस ऐसे हैं, 99% या 95% प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों की सामना कर सकती, मतलब समानता कर सकती हैं, और जितने भी भेदभाव जो यहाँ पे इंडिया में हमारे हैं तो उन सबको मिटाने के लिए हमारा जो संविधान है उसी तरह से लिखा गया है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सभी लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, और आज भी वो चीज़ हमारे समाज में बना हुआ है, हम इसको कैसे मिटा सकते हैं? तो ये हमें ही मिटाना होगा, अदरवाइज कोई कानून की किताब बना देने से हमारे यहाँ जो भेदभाव है वो खत्म होने वाला नहीं है। समाज में फैले भेदभाव को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें अपने अंदर का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना होगा, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी मदद कर सकेगा। अंतिम लाइन में यहाँ पे बतलाया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है कि सभी के अधिकारों की रक्षा हो सके, मूल अधिकारों की रक्षा हो सके, लेकिन फिर भी कई लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता, वे अन्याय के शिकार हो जाते हैं, और इसके पीछे कारण क्या होता है? गरीबी और अशिक्षा। तो हमारे देश से अगर इन दो चीज़ों को मिटाया जा सके तो हमारे लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। इसीलिए हमें किसी भी तरह से पॉवर्टी, रिमूव पॉवर्टी, किसी भी तरह से इलिटरेसी और पॉवर्टी, गरीबी और अशिक्षा को दूर करना होगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। इसको सबसे पहले यहाँ पे MCQ दिया हुआ है टिक लगाने के लिए, तो इसको हम लोग टिक लगा लेते हैं। वन नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है दलित इज़ द टर्म यूज फॉर पीपुल बिलोंगिंग टू द, दलित वर्ड किन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है? तो लोअर क्लासेस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसको टिक करते हैं। महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज ए विक्टिम ऑफ, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में इसका शिकार हुए थे। तो किसका शिकार हुए थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए थे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद जेंडर इक्विटी मीन्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर, मतलब जेंडर लिंग भेदभाव किन लोगों के बीच में होता है? तो लिंग भेदभाव होता है मैन एंड वोमेन, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो इस तरह से आदमी और
महिला के बीच में ये भेदभाव होता है, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। और यहाँ पे द नेम ऑफ द पर्सन हु फाउट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इस व्यक्ति ने रेशियल डिस्क्रिप्शन के लिए फाइट किया था, इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, तो कौन सा व्यक्ति था, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। तो हम लोग इसको टिक करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं इसके आगे। यहाँ पे 2 नंबर में दिया राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बतलाना है। द नेगेटिव ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपुल इज कॉल्ड प्रिजुडिस, किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव विचार बना लेना, नकारात्मक विचार बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रू लिखते हैं, ट्रू, ये ट्रू हो गया। उसके बाद विलेजर्स आर इलिटरेट एंड बैकवर्ड लुकिंग वाइल दोज लिविंग इन अर्बन एरियाज आर इलिटरेट एंड फॉरवर्ड लुकिंग, यह बता रहा है कि गांव के लोग जो होते हैं वो अशिक्षित और बैकवर्ड दिखते हैं, पिछड़े हुए दिखते हैं, और शहर के लोग ऐसे नहीं दिखते हैं। तो ये सही नहीं है, ये गलत है। आज भी गांव के बहुत ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल शिक्षित दिखते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बॉयज आर नॉट बॉर्न टू कुक फूड, यह बता रहा है कि लड़के खाना बनाने के लिए पैदा नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। कई सारे लड़के जो है खाना बनाने में उसको इंटरेस्ट होता है और वो पूरी ज़िंदगी खाना बनाने में ही बिताते हैं, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। तो यहाँ पे इसको हम फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद अनइक्वलिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वलिटी मतलब असमानता जो है भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो ये सही है, इसको हम ट्रू कर देते हैं, ये हो गया। डिवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एग्जैक्टली द सेम, तो ये सही नहीं है, इसको हम गलत कर देते हैं, फॉल्स, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको मैच द फॉलोइंग करेंगे। यहाँ पे ये इंग्लिश वर्सन का बुक है और एक पेज में जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ 4 है, इसके आगे और भी दिया हुआ है, दूसरे पेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग हिंदी वर्सन वाला बुक जो है उसमें सारा एक जैसा दिया हुआ है, तो उस पर हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। संविधान की परिभाषा, मतलब संविधान किसे कहते हैं, तो वो जो कानून का किताब जो होता है जिससे सारे देश का शासन होता है उसको संविधान कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियमों और कानूनों का संग्रह, उसको संविधान कहते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, इससे पता चल जाएगा, ये 1 नंबर में आ गया। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो जहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, समान रूप से देखा जाता है, सभी धर्मों की रक्षा करता है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर में, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। उसके बाद लोगों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, मतलब लोगों के बारे में कुछ इस तरह का अपना एक विचार बना लेना, तो लोगों के बारे में एक विशेष राय बनाना, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम 3 नंबर लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर। उसके बाद एक पैर विहीन और नेत्रहीन, इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग, तो पहले जो है यहाँ पे दिव्यांग के जगह विकलांग का शब्द यूज़ किया जाता था, लेकिन विकलांग को हटा दिया गया है और उसके जगह पे दिव्यांग उपयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर लिख देते हैं, ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार यहाँ दिया हुआ, समान महत्व और स्थिति प्राप्त होना, तो ये 5 नंबर हो गया, इसको 5 नंबर दे देते हैं। और नेक्स्ट में दिया हुआ है रंग भेद की नीति, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहा जाता है, लोगों के साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको देते हैं 6 नंबर, ये 6 नंबर हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट जो बच गया, तो लास्ट ये बच गया, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सोचने का अधिकार, तो यहाँ पे 7 नंबर हो गया, ये 7 नंबर कंप्लीटली यहाँ पे मैच हो गया है। और यहाँ पे हम लोग इसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यह है शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन इन द वैदिक एज, पीपुल वर क्लासिफाइड इन टू विच 4 वर्णस, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन और उसका आंसर, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करना है। डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल लेस फेयरली देन अदर पीपुल, भेदभाव एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ अन्य व्यक्तियों की तुलना में उपेक्षित व्यवहार करने की प्रथा है।
इसी को भेदभाव कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, इन वैदिक एज पीपल वर क्लासिफाइड इनटू व्हिच फोर वर्णास। इन द वैदिक एज पीपल वर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर वर्णास, ब्राह्मिन्स, क्षत्रियाज, वैश्यास एंड शूद्रास। वैदिक काल में लोगों को चार प्रमुख वर्णों में वर्गीकृत किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर नॉन एज। द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर नॉन एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रंग के आधार पर भेदभाव करना नस्लीय भेदभाव के रूप में जाना जाता है। हाउ डज प्रिजुडिस और स्टोटाइप्स थिंकिंग कॉज डिफरेंसेस इन सोसाइटी। प्रिजुडियस और स्टोटाइप्स थिंकिंग कॉज डिफरेंसेस इन सोसाइटी, सच ओपिनियंस प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट द क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसका हिंदी आंसर दिया हुआ है, पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी सोच समाज में मतभेद पैदा करती है। इस तरह की विचारधारा हमें व्यक्तियों के गुणों को देखने से रोकती है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम व्हाट नेम डिड महात्मा गांधी गिव टू द सो कॉल्ड अनटचेबल्स, व्हाट डज इट मीन। गांधी जी कॉल द अनटचेबल्स एज हरिजन, दैट मीन्स पीपुल ऑफ गॉड। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा था, जिसका अर्थ है भगवान के लोग। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसमें फाइव नंबर का क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, जो इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।